हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा अनेक शब्दों का एक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। ये सीरीज हिंदी व्याकरण के तौर पर जैसे एसआई और एमपीपीएससी एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता ही है इस चैप्टर से। वैसे इस सीरीज को आप अच्छे से पढ़ें और इसका लाभ लें। पहला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? दुराग्रह। अगला पॉइंट है, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज। अगला पॉइंट है, आकाश को चुमने वाला आकाश चुंबी कहलाता है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। और दूसरे देश से अपने देश में सामान आना या लेना आयात कहलाता है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र कहलाता है। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। अत्यंत सुंदर स्त्री मतलब रूपसी कहा जाएगा। आकाश को चुनने वाला गगनचुंबी कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला नभचर कहलाएगा। आलोचना करने वाला आलोचक आशा से अधिक आशाती। आगे होने वाला भावी आंख के सामने प्रत्यक्ष कहलाता है। आंखों से परे परोक्ष कहलाता है। अपने परिवार के साथ रहने वाला सपरिवार आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। आकाश या गगन चुमने वाला आकाशचुंबी और गगन चुमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक और आलोचना के योग्य व्यक्ति आलोच्य कहलाता है। आया हुआ मतलब जो व्यक्ति आया हुआ अपने पास वाला आने वाला अगर अवश्य होने वाला अवश्यम भावी अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि कहलाता है। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक आदि से अंत तक अधोपांत कहलाता है। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची कहलाता है। आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया कहलाता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि कहलाता है। अधिक या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य अभिनय करने योग्य अभिनयी कहलाता है। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है और अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहते हैं। अच्छा या बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक कहलाता है। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना अंशदान कहलाता है। अनुकरण करने के योग्य व्यक्ति को अनुकरणीय कहा जाता है। आत्मा एवं परमात्मा का द्वैत मतलब अलग अलग होना इसे ना मानने वाले को अद्वैतवादी कहते हैं। याद रखना अद्वैतवादी कहलाता है। अगला पॉइंट है, अल्प मतलब कम वेतन भोगने वाले व्यक्ति को अल्प वेतन भोगी कहते हैं। अध्ययन मतलब पढ़ने वाले को अध्येता कहा जाता है। अगला पॉइंट है, पढ़ाने का काम करने वाला अध्यापक कहलाता है। आग से झुलसा हुआ अनिल दग्ध कहलाता है। अपने प्राण आप लेने वाला मतलब
खुद के प्राण स्वयं लेना आत्मघाती कहलाता है। अर्थ या धन से संबंध रखने वाले व्यक्ति को आर्थिक कहा जाता है। आदि से अंत तक आदोपांत कहलाता है। आशा से अति मतलब आशा से परे आशातीत कहलाता है। आयोजन करने वाले व्यक्ति को आयोजक कहा जाता है। आशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक आशुलिपिक कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति को इच्छाचारी कहा जाता है। आड़ मतलब पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? ओहार कहलाता है। ओहार अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र अपना पुत्र कहलाता है, जिसे ओरस कहा जाता है। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किं कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। और लास्ट पॉइंट है, अधिक दिनों तक जीने वाले व्यक्ति को चिरंजीवी कहा जाता है। इस प्रकार ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट प्रीवियस एग्जाम में आए हुए है। इसे आप अच्छे से पढ़ना और इसे याद करने की कोशिश करना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।